मैं हूं सानिया इदरीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय और राज्य की सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने अभी से चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसी के तहत कल्याण डोंबिवली सहित राज्य के 16 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी तैयारियों में भाजपा जुट गई है। शनिवार से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कल्याण डोंबिवली लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर है। रविवार को अनुराग ठाकुर अपने दौरे के दौरान सबसे पहले लोकसभा क्षेत्र के कोर कमेटी, उसके बाद स्थानीय पार्टी के पदाधिकारियों से संगठनात्मक चर्चा की। कल्याण यात्रा पर आए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सांसद श्रीकांत शिंदे से उनके बंगले पर मुलाकात की। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्रीकांत शिंदे की जमकर तारीफ की। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि हर किसी को पार्टी को अपने संगठन को मजबूत करने का अधिकार है। विषय की बात यह है कि कल्याण डोंबिवली मतदार संघ शिंदे को जाएगा या भाजपा को, सुनिए श्रीकांत शिंदे ने क्या कहा है। उस कार्यक्रम में आप कैसे देखते हैं? और मैंने कहा कि उनका वो संगठन बढ़ाने का काम जो है हर पार्टी को है कि बाबा कोई भी चुनाव क्षेत्र हो वहाँ पर खुद का संगठन बढ़े, अच्छा काम करे। इसके लिए हर पार्टी काम करती रहती है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी वही काम कर रही है वहाँ पर। उसके अंदर कुछ अलग ढंग से, अलग तरीके से, अलग नज़रिए से उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। कल्याण में 100% कमल, मैंने उनकी बाइट सुनी। ये जो है इंटरप्रिटेशन जो है आप मीडिया की है, मीडिया उन्होंने कहीं पर भी ऐसा कहा नहीं है कि 100% या यहाँ पर बीजेपी का उम्मीदवार होगा। मुझे लगता है कि अमित शाह जी जो सर्वे सर्वा है, जो डिसीजंस लेते हैं बीजेपी के लिए, और मुझे लगता है कि देवेंद्र जी फडणवीस, ये दोनों ने पूरे जिम्मेदारी से क्लियर किया है कि आने वाले समय में, और ये रोज़ स्टेटमेंट आ रही है। मुझे लगता है कि मीडिया जानबूझ कर कुछ तो मसाला चाहिए इसलिए उसको नज़रअंदाज कर रही है। लाइन क्लियर है कि 2024 तक जो जो चुनाव आएंगे वो सभी चुनाव जो है ये शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी जो है वो अलायंस में लड़ेगी और जीतेगी। सर अनुराग ठाकुर साहब ने कहेगा, अनुराग सिंह ठाकुर जी एक अच्छे हमारे क्रीड़ा मंत्री है, यंग लीडर है, यूथ जो है उनको एक आशा के तौर पर देखता आया है, और हम तो युवाओं के लिए, खेल के लिए अच्छा काम इस चुनाव क्षेत्र में कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में और अच्छा फंड अगर हमें मिले तो अच्छी बात होगी खेलो इंडिया के माध्यम से। तो उसकी मांग हमने उनके उनके सामने रखी है। लोकसभा क्षेत्र में लगातार प्रयासरत रहते हैं और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी जी आज एक कार्यकर्ता के रूप में अपने काम के कारण, अपने गुणों के कारण और आपके प्रेम के कारण और भारत की जनता के आशीर्वाद के कारण एक बार नहीं दो दो बार पूर्ण बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री बने। जहां तक महाराष्ट्र की, आप लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, मित्रों इसके लिए भी 400 साल तक आपको लड़ाई लड़नी पड़ी। राम लला का जन्म जहां पर हुआ वहां पर भव्य राम मंदिर बने, ये सोचते तो थे आप। कोर्ट में भी 100 साल से ज्यादा मुकदमा लड़ना पड़ा, लेकिन अच्छा समय भी तब आया जब आप सबके आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। अगले एक साल के अंदर भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, जो हम सबका सपना था वो भी पूरा हो जाएगा। मित्रों पिछले 5-8 साल में हिंदुस्तान ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इसी मूल मंत्र के साथ काम किया है। अगर 12 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मिला, आज हर घर को नल से जल देने का काम हो रहा है, बैंक खाते खोलने से लेकर हर घर को बिजली देने का काम हो रहा है, तो किसी की जाति धर्म संप्रदाय नहीं पूछा जाता। जिसको आवश्यकता है, जो इसका है भागीदार है, जिसको मिलना चाहिए उसी को ही देने का काम किया जाता है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया। हम बांट कर राज नहीं करते, लेकिन अंग्रेज चले गए, अंग्रेज की सोच वाले कांग्रेस पार्टी आज जो भारत जोड़ो यात्रा की बात करती है, सदा तो तोड़कर राज करने का काम करती रही। आज भी राहुल गांधी जी प्रवास पर निकले हैं,
तो उसमें भी देखा जाता है कैसे एक धर्म से दूसरे धर्म को भड़काने का काम किया जाता है, राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी स्तर तक गिरने का काम करते हैं, हिंदू धर्म को नीचा दिखाने का काम भी करते हैं। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इस देश में तो सर्वधर्म सम्मान का काम किया जाता है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तो जब देश भर में सरकार अच्छी चल रही है। जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, उन अंग्रेजों को भी हमने पीछे छोड़कर दुनिया की पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान बन गया है। पांचवें नंबर की